morning. Good morning, sir. Yes, all is well. All is well, sir. तो भाई सबको लगता है कि हाँ शुरू करो और हमको तो खूब सक्सेसफुल होना है, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको 5-10 स्टेप्स बताऊंगा जहां से हम सभी सोचना शुरू करेंगे कि यस मेरे में वो दम है, मैं सफल हो सकता हूं। सबको मालूम है, बहुत कॉमन बात है कि भाई सफलता क्या, तो कुछ ज्ञान हासिल कर लेते हैं, इसके बाद हमारी पर्सनैलिटी को हम ऐसा बनाएंगे कि हमें रुपया, दौलत, धन, मान सम्मान ये समाज से मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। सफलता की परिभाषा किसी की कुछ भी हो, फाइनली इसी तरफ 99.9% लोग जाते हैं कि संतोषी सदा सुखी। सेंटेंस में गड़बड़ है, हम तो संतोषी सदा दुखी मानकर शुरू करेंगे। संतोष नहीं करना है, अपने आप को बिखरना है, अपने आप को फैलाना है और कोशिश करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम, पैसा, दौलत, शोहरत ये हम कमाना शुरू करें। बेटा सबसे पहली जो बात आती है कि अपना ये जो शरीर अपने को मिला है, हम कहीं भी पैदा हो गए, हर बंदा क्या कोशिश करता है, हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं अपने शरीर को सुख दूं। अब ये जो सुख देने की प्रक्रिया है तो बहुत आसान थी कि हम बचपन में माँ की गोद में थे, वहीं खाने पीने का इंतजाम था, वहीं पॉटी करने का इंतजाम था, ना हिलना था ना डुलना था, एक जगह पड़े रहना था, बाकी सब ने हमारा सब करना था। लेकिन वो एक कंफर्ट जोन ऐसा था जो कुछ समय के लिए ऊपर वाला देता है, उसको ब्रेक करके धीरे 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 हम जब फिर लुढ़कना सीखे अच्छा लगा, चलना सीखे और अच्छा लगा, दौड़ना सीखे और अच्छा लगा, स्कूल गए, समाज में गए, दोस्तों से मिले, ये अच्छा 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 लगता जाता है समय के साथ साथ। इसमें क्या छुपा हुआ है जो हम नहीं देख रहे हैं? वो छुपा हुआ ये है कि फैलने में मजा है, विस्तार में मजा है। आपको कोई कहता है कि साहब मैं 20 साल पहले मैक्रोविजन एकेडमी गया था, 6 कमरे थे, 8 कमरे थे और आनंद सर बहुत अच्छे हैं, मैक्रोविजन का स्टाफ बहुत अच्छा है और कमरे अभी भी 6 हैं, 12 हैं, 15 हैं, कोई इंप्रेशन नहीं जाता बेटा, कोई इंप्रेशन नहीं जाता। इंप्रेशन काय से जाता है, अट्रैक्शन काय से बढ़ता है, विस्तार से बढ़ता है। कुछ कमरे थे, 2 कमरे थे, 4 कमरे थे, अभी 900 कमरे हो गए, एक नया हॉस्टल खड़ा हो गया, जोश क्लब खड़ा हो गया, ऑडिटोरियम बन गया, ताजमहल बन गया, हॉस्पिटल बन गया और अब लोग उम्मीद करते हैं कि सर मेडिकल कॉलेज कब। अबे तो मैंने कहा तुम क्या फरमाइशी प्रोग्राम में बैठे हो कि आनंद सर अब ये करो अब वो करो, कर रहे ना भाई, और हमको तो विस्तार में बहुत मजा आ रहा है। अब तुम कहोगे कि सर इससे हमारा क्या लेना देना विस्तार से, है ना बेटा, आपके ब्रेन में एक इनर्शिया है। इनर्शिया जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो रुका है रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो ये जो रुका हुआ है, ये स्पीकर रुका हुआ है यहां, ये कब हिलेगा, जब इसको कोई हिलाएगा, कोई इस पर फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कितना होना चाहिए, वो फोर्स इसके वेट से ज्यादा होगा तो इसका इनर्शिया ब्रेक होगा। ऐसा हमारे दिमाग में भी इनर्शिया लगा हुआ रहता है और हमें चाहिए कि उस इनर्शिया को हम ब्रेक करें। कैसे? तुरंत जेल हो जाओ, तुरंत अपना कंफर्ट लेवल छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो सफलता तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगी। अकड़ के रहोगे, कड़क रहोगे, इगोइस्टिक बन के रहोगे, हम तो ऐसे सोते हैं, हम तो ऐसा खाते हैं, हम तो इस गद्दे पर ही सोते हैं, हमसे तो ऐसा नहीं होगा, ये जो दिमाग में ये मैसेज आ रहा है वो दिमाग आपको कुछ भी करने नहीं देगा, कुछ भी करने नहीं देगा। सफल होना है सबसे पहले झुकना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। हमारे बुरहानपुर के एक शायर हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनका एक बहुत ही शानदार शेर है, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। क्या कमाल की बात बोलता है, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। मान लीजिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ओटी में पेशेंट आ गया, ओ मुझे नया घुटना लगाना है, वेरी गुड, और ओटी में मेंबर कम है उस दिन,
एनेस्थेसिया वाला है, एक दो हेल्पर है और आप हो, और मान लो बेहोशी के बाद भी उस पेशेंट ने पॉटी कर दी, यूरिनेट कर दिया, क्या घर आ जाओगे? बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन भी दुनिया के जो बड़े बड़े हैं उनसे आप पूछिएगा कभी जाके, जो सर्जरी करते हैं, जो एमएस हैं कोई भी डिपार्टमेंट के, 100 में से एक केस 100% ऐसा होता है कि जहां पेशेंट बहुत गंदगी कर देता है और कोई नहीं होने पर वो डॉक्टर साफ करता है और फिर इलाज करता है उसका। क्यों करता है? उसको मालूम है कि ये लाचार, ये बेहोश मैंने किया है, इसको उठा के घर भेजना मेरी जिम्मेदारी है। वहां कोई ईगो काम नहीं करता, वहां आप किसी स्वीपर को नहीं बुला सकते, ओटी में बैक्टीरिया फैल जाएगा, खुद करना पड़ता है वो काम। तो तुझको तेरा गुरूर मारेगा और कोई तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसको थोड़ा सा कम कर लो, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। आपका इनर्शिया जो है कैसे कम होगा? आपका इनर्शिया जो दिमाग का है, जो गठाने हैं अपना अपना, हम नरसिंहपुर वाले अलग, हम खंडवा वाले अलग, अरे इससे छोड़ो, जाके मिलो लोगों से, हेलो आपका क्या नाम है, अच्छा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरा ध्यान रखना भाई, मिल लो सबसे, हाथ मिला के आ जाओ दोस्तों से, देखो शाम तक आप फेमस हो जाओगे। हम संकुचित है, हम अपना दायरा छोड़ ही नहीं रहे। अभी उल्टा मैंने गंगा बहते हुए देखी कि टीचर्स कह रहे बेटे नाश्ता हो गया, अरे तुमने पूछना चाहिए सर आपने नाश्ता किया कि नहीं, बड़ा कौन है, तुम तो सर्विंग वाली कंडीशन में हो और तुमसे पूछा जा रहा है कि तूने नाश्ता किया कि नहीं किया। तो बेटा बिखरो, उसकी पहली शुरुआत होती है बिखरने की मुस्कुराने से, दूसरी शुरुआत होती है अभिवादन से। कोई भी आ रहा है सामने से, प्यून आ रहा है, अपने से बड़ा दिख रहा उम्र में, भाई साहब नमस्कार, ऑल इज वेल, गुड मॉर्निंग, कितना अच्छा लगता है करने में, करो तो सही। आप जितना ज्यादा विश करोगे लोगों को, दुनिया को, खंबे को, लाइट को, भगवान को, मंदिर को, मस्जिद को, जिसको भी जितना विश करोगे, अपना ईगो डाउन होगा, जिसका ईगो डाउन होगा वो सफलता के रास्ते पर बहुत तेजी से चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा। तुमने कहीं देखा है गाड़ी चलाते हैं अपन, आजकल गाड़ियों पर एक फास्ट टैग लगा होता है, उसको रिचार्ज कराना पड़ता है, वो साउंड फ्रीक्वेंसी से काम करता है। और जब टोल टैक्स पे गाड़ी जाती है, पहले पैसे देना लेना, चिल्लर लो दो, वो सब होता था, अब ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है कि गाड़ी जाके लगी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये जो भी कटना है वो कट जाते हैं। लेकिन आप कई बार देखते हो कि कोई एक गाड़ी वाले से बहुत बहस हो रही है, क्यों बहस हो रही है, वो रिचार्ज कराना भूल गया था, तो उसके पैसे ही नहीं है, तो वो डंडा लाल पर ही रुका हुआ है, उसके कारण बाकी सब भी चिल्ला चोट कर रहे हैं। फिर वो इमीडिएट उतर के नगद पैसे देता है या गाड़ी साइड में लगाता है, वहीं रिचार्ज वाले बैठे होते हैं, एंड सो ऑन, देखा है ये सिस्टम। तो बेटा तुम्हारे अंदर एक इनफाइनाइट अमाउंट से भरा हुआ फास्टैग है, वो आपका ब्रेन है। और अगर आपको जिंदगी में अपनी गाड़ी को सफलता के रास्ते पे धुआंधार तरीके से दौड़ाना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि हमारा फास्टैग जो है वो बहुत अच्छे से काम करे। और वो फास्टैग है मुस्कुराहटों का, वो फास्टैग आपका है धन्यवाद के भाव से भरा हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑटो वाले भैया आपने हमको छोड़ दिया माइक्रोविजन, थैंक यू वेरी मच। तांगे वाले धन्यवाद, जो मैं इसमें खाना खिला रहा है, मन में बोलने की जरूरत नहीं है, मन में अरे यार थैंक यू, गरम गरम दाल ला के दे दी, थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू से जिस दिन भर जाओगे, अभिवादनों से जिस दिन भर जाओगे, उस दिन इतनी तूफान गति से दौड़ोगे बेटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो खुद, हमको समय नहीं मिलता किसी के आगे अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने का, सुबह से काम में लग जाते हैं, लेकिन पूरे समय, आज आप पूरे देश का बच्चा यहाँ आकर है, हम भी किसी को बोलते हैं यार थैंक यू, इस लायक बनाया कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेटा आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत तेज दौड़ाओ, अपना रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक रिचार्ज है। जितना विश करोगे, जितना अभिवादन करोगे, जितना मैनर्स और एटिकेट से रहोगे, आपका वो जो ब्रेन में फास्टैग है ना, वो और डबल ट्रिपल स्पीड से रिचार्ज होता है। हमारा देख लो, हमारे सामने कोई भी आता है तो उसको एक मैसेज तो जाता है कि यार बड़े प्यार से मिल रहे हैं। ये प्यार आया कहाँ से? अरे बहुत बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा रियाज है बेटा, बहुत मुस्कुराए हैं,
लोगों को मिलते से एक मिनट में, 30 सेकंड में, 10 सेकंड में अपना बनाना सीखे हैं, अपने दिल से निकलने वाले प्यार और अभिवादन को लोगों तक पहुंचाया है, तब हमने भी ये मुकाम पाया है। तो आपकी जिंदगी की शुरुआत है, मैं चाहता हूँ आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। एक दो दिन एडजस्ट करने में लगते हैं, मुस्कुराते रहना। थैंक यू वेरी मच।